अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे अभी वक्त मिला तो मैं एक अपडेट देने के लिए आया था आप लोगों को, और ये अपडेट जो है वो विजिट वीज़ा के हवाले से है। तो वीडियो को गौर से देखें, और मेरे पीछे जो गाड़ी दिख रही है ना, मैं अभी इस भाई से बात कर रहा था, ये हाउस रेफर है। तकरीबन रात का 3 बज रहा है और ये शाम का इशा के बाद से निकले हुए हैं और अभी तक अपने रूम पे गए नहीं। तो हाउस ड्राइवर की लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, वैसे आप लोग जानते हैं। दोस्तों बात कर रहा था विजिट वीज़ा का, जैसे बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा लेकर चले जाते हैं और जॉब उनको मिलता नहीं है, तो वो तो आप सुने होंगे और न्यूज़ भी आया है इसके हवाले से, दुबई की जो अपडेट आई है अभी तरोताज़ा अपडेट। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे खुद के कैंडिडेट के साथ होते होते बच गया है। बंदा जा रहा था विजिट वीज़ा लेकर ओमान के लिए, और ओमान में कुछ बंदे चले गए थे और एयरपोर्ट में उन बंदों को लेने वाला कोई नहीं आया, कोई रिसीव करने वाला ही नहीं आया उस बंदे को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बात कि विजिट वीज़ा लेकर कहीं भी ना जाएं। ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में और ज़्यादा सैलरी पाने के लालच में हम लोग चले जाते हैं, लेकिन हंस रही है होता है कि कोई रिसीव करने तक नहीं आता है एयरपोर्ट में। और ऑफिस वाले ये बात बताते हैं कि जाने के बाद तुम्हारा विजिट से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट में कोई लेने तक का नहीं आया और उसे फिर से टिकट लगाकर 30,000 रुपये फिर लगा, और फिर से टिकट लगाकर और एयरपोर्ट से ही उसे फिर इंडिया लाया गया। और ये बात मैं आपको बता दूँ, कहीं और का नहीं है, ये बात यूपी का है और ये 2 दिन पहले का बात है। और उसमें एक कैंडिडेट हमारा भी था जो इत्तेफाक से एयरपोर्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया चेकिंग में, तो उनका बोर्डिंग नहीं हो पाया तो वो नहीं गया। तो ये बहुत बड़ी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का कि नुकसान से बच गया हूँ। होता ये कि हम लोग क्या है ना कि विजिट में चले जाते हैं कि सैलरी अच्छी मिल रही है और वहाँ जाने के बाद एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ऑफिस वाले भेजते भी हैं और ऑफिस वाले को क्या पता कि ऑफिस वाले भी फंस जाएंगे। तो विजिट में आप लोग कभी नहीं जाएँ, ये तो पहली बात हो गई थी, कहीं भी आप नहीं जाएँ। इवन आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, जितना भी आपकी सैलरी हो विजिट में ना जाएं, चाहे आपसे कोई भी ऑफिस वाला क्यों ना बोल दे कि मैं इस बात एक कोलकाता में भी एक ऑफिस है, 90 बंदे के साथ उनका साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने भी विजिट में दुबई का काम कराया था और वो 90 बंदों को फिर वापस बुलाया था। ये कहानी जो है 90 बंदे वाली, ये तकरीबन लॉकडाउन से पहले की, और मैं जो ओमान वाला बताया ना ये कल का हादसा है, ये 2 दिन पहले की कहानी है। तो कोई भी विजिट वीज़ा में ना जाएं, ये हो गई थी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी दुबई की जो अपडेट आई है, दुबई के अपडेट में आपने सुना होगा कि जिसके पास 5,000 रियाल है, 5,000 दिरहम है पॉकेट में, तो 5,000 दिरहम लेकर ही विजिट वीज़ा पर आप कदम रख सकते हैं। अब दुबई में ये रूल्स बन गया, आपको पता ही होगा। तो बताने का यही हमारा मतलब था कि विजिट वीज़ा लेकर कोई भी कहीं भी ना जाए, चाहे आपको ऑफिस वाला कितना ही फोर्स करे या चाहे आपकी सैलरी जितना भी लगा दिया जाए, विजिट वीज़ा लेकर कहीं भी ना जाएं। वरना जिस तरह मेरे पास 15 मिनट की वक्त थी तो मैंने एक राउंड लगाया, मेरी रेस्टोरेंट इस जानब पड़ती है ये वाली बिल्डिंग में, तो यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप का जगह है, एक राउंड में लगा लिया, मैं सोचा चलो आपको मैं अपडेट दे देता हूँ। तो ये थी कहानी दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विजिट वीज़ा लेकर कोई भी ना आए।